शांति। ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 11 अक्टूबर 1966। द मॉर्निंग क्लास इज डेटेड 11th October 1966। मंगलवार को ट्यूसडे तीसरे पेज के आदि में ये बात चल रही थी। इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड पेज द सब्जेक्ट बीइंग डिस्कस्ड वाज वो भक्त लोग जिस्मानी को कहेंगे फिलॉसफी। दोज डिवोटीज विल कॉल द फिजिकल फिलॉसफी फिलॉसफी। और तुम ज्ञानी बच्चे रूहानी को कहेंगे फिलॉसफी। एंड यू द नॉलेजेबल चिल्ड्रन विल कॉल द स्पिरिचुअल फिलॉसफी फिलॉसफी। ये ज्ञान की बातें हैं ना। दीज आर सब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज aren't they? भक्ति और ज्ञान की बातें। द सब्जेक्ट्स ऑफ भक्ति एंड नॉलेज। ज्ञान की बातों में धंधे धोरी की बातें नहीं है ना। देर aren't द टॉपिक्स ऑफ बिजनेस एंड ऑक्यूपेशन इन द सब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज आर देर। कोई भी सत्संग में जाते हैं। When someone goes to any satsang, meaning spiritual gathering, तो धंधे धोरी की बात होती है क्या? Are there topics of business and occupation there? तो यहाँ कोई धंधे धोरी की बात नहीं होती है। So here, there is no topic of business and occupation. नहीं। No. फर्क बताते हैं। The difference is mentioned. कि वो जो है सत्संग वो सभी सत्संग है भक्ति मार्ग के लिए। All those satsangs are for the path of bhakti. वहाँ मनुष्य बैठ करके मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। There human beings sit and give teaching to human beings. मनुष्य किसे कहा जाता है और भगवान किसको कहा जाता है? Who is called a human being and who is called God? मनुष्य जो मनु की औलाद हैं। Those who are the progeny of Manu. जिनका मन चलाए मन रहता है वो मनुष्य हैं। Those whose mind remains inconstant are human beings. और परमपिता परमात्मा कोई मनुष्य नहीं है। द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल इजंट अ ह्यूमन बीइंग। वो मनु की औलाद भी नहीं है। ही इजंट द प्रोजेनी ऑफ मनु ईदर। उसका मन चलायमान नहीं होता है। हिज माइंड डजंट बिकम इनकॉन्स्टेंट। वो असोचता है। ही इज असोचता मीनिंग द वन हु डजंट नीड टू थिंक। क्योंकि त्रिकालदर्शी है। Because he is त्रिकालदर्शी, meaning the one who knows the three aspects of time. भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जानता है। He knows all the three aspects of time, the past, present and future. क्यों जानता है? Why does he know them? क्योंकि जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। It is because he doesn't come in the cycle of birth and death. और मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आते हैं। Whereas human beings come in the cycle of birth and death. तो उन सत्संगों में जो भक्ति मार्ग के सत्संग हैं। So in those satsangs, the satsangs of the path of bhakti. उनमें मनुष्य बैठ करके मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। Human beings sit and teach human beings. यहाँ सुप्रीम सोल बाप आकर के परमपिता परमात्मा रूहानी बाप आकर के रूहानी बच्चों को बताते। Here the supreme soul father, the supreme father supreme soul, the spiritual father comes and speaks to the spiritual children. क्योंकि वो रूहों का बाप है। Because he is the father of spirits. आत्माओं का बाप है। He is the father of the souls.
मनुष्यों का बाप नहीं है। He isn't the father of human beings. मनुष्यों का बाप तो वो ही होगा। The father of the human beings will be the one who मनुष्य का मन चलाए मन। The mind of a human being is dynamic. तो मनुष्यों के बाप का मन भी चलाए मन। So the intellect of the father of human beings will also be dynamic. तो उसको कहते हैं आदिदेव। So he is called आदिदेव, meaning the first deity. हिंदुओं में कहते हैं त्वम आदिदेव है पुरुष है पुराण है। Among the Hindus, it is said त्वम आदिदेव पुरुष पुराण, meaning you are the first deity and the ancient man. त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्, meaning you are the greatest shelter of this world. तो वो मनुष्यों का बाप सर्वधर्मों में मान्यता प्राप्त है। So that father of human beings is accepted in all the religions. सब धर्म वाले मनुष्य ही है। People of all the religions are just human beings. अंग्रेज लोग उसे क्या कहते हैं? एडम। What do English people call him? एडम। और मुसलमान लोग उसे आदम कहते हैं। एंड द मुस्लिम्स कॉल हिम आदम। जैनी लोग उसे आदिनाथ कहते हैं। द जैन्स कॉल हिम आदिनाथ। वास्तव में नामों में इतनी साम्यता क्यों है जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है? So, why is there so much similarity in the names of the father of the entire human world? क्योंकि सारी मनुष्य सृष्टि का बाप एक ही है। It is because there is only one father of the entire human world. अलग अलग नहीं है। There are no separate fathers. इसलिए This is why जो बच्चों को तकलीफ होती है वो यही है। This is the very difficulty that the children have कि हम आत्मा हैं। To consider that they are souls. 63 जन्म के आदि हैं। They have been habituated for 63 births. मतलब जन्म जन्मांतर के आदि हैं अपन को देह समझने के। It means they have been habituated for many births to consider themselves a body. और अभी हमको अपन को क्या समझना है? And now, what do we have to consider ourselves to be? है? आत्मा समझना है। We have to consider ourselves to be a soul. परमपिता परमात्मा की हम संतान हैं। We are the children of the Supreme Father, Supreme Soul. परमात्मा बाप के हम बच्चे हैं। We are the children of the Supreme Soul Father. और उस बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। And we are obtaining the unlimited inheritance from that unlimited father. हद का वर्षा होता है हद के बाप से एक जन्म का। We obtain the limited inheritance from the limited father for one birth. वो भी मिले मिले न मिले। That too, there is no guarantee whether you will receive it or not. ये बेहद का बाप 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। This unlimited father gives you the inheritance for 21 births. और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। And the karmic accounts of the 63 births are also created on the basis of the 21 births. मतलब आत्मा को अपने 84 जन्म का मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। It means the soul receives the inheritance of liberation and liberation in life for 84 births. मुक्ति कहते हैं दुखों से मुक्ति। नंबर वार।
नंबर वाइज लिबरेशन फ्रॉम सोरो इज कॉल्ड लिबरेशन, मुक्ति. हियर नंबर वाइज मीन्स लिबरेशन टू अ ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स. और जीवन मुक्ति कहते हैं जीवन में रहते हुए दुखों से मुक्ति हो, सुखों की प्राप्ति हो. एंड टू बी फ्री फ्रॉम सोरो एंड रिसीव हैप्पीनेस व्हाइल बीइंग अलाइव इज कॉल्ड लिबरेशन इन लाइफ. तो बाप से हम वर्षा ले रहे. सो वी आर रिसीविंग द इनहेरिटेंस फ्रॉम द फादर. भला ये सारा जो भी समय है सतयुग से लेकर के यहाँ तक, ऑल द टाइम फ्रॉम द गोल्डन एज एंड अंटिल नाउ, सब बरोबर वो सभी समझेंगे कि हम इन बाप से वर्षा ले रहे हैं. एवरीवन विल सर्टेनली थिंक दैट दे आर रिसीविंग द इनहेरिटेंस फ्रॉम दीज फादर्स. इन बाप से क्यों कहा? व्हाई डिड ही से फ्रॉम दीज फादर्स? और सभी वर्षा ले रहे हैं ऐसे क्यों कहा? एंड व्हाई डिड ही से एवरीवन इज ऑब्टेनिंग द इनहेरिटेंस? इन बाप तो बहुवचन हो गया. दीज फादर्स इज प्लूरल. इस बाप से कहना चाहिए. ही मस्ट से दिस फादर. इसलिए कहा कि वो आत्माओं का बाप, मनुष्य सृष्टि का जो मुकर्रर बाप है. दिस इज व्हाई इट वॉज सेड द फादर ऑफ द सोल्स एंटर्स द परमानेंट फादर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड. प्रजापिता कहो, कॉल हिम प्रजापिता. आदम कहो, एडम कहो, आदिनाथ कहो, कॉल हिम आदम, एडम, आदिनाथ. उसमें संगम युग में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है. द फादर ऑफ द सोल्स एंटर्स हिम इन अ परमानेंट वे इन द कॉन्फ्लुएंस एज. तो दो आत्माएं हैं बेहद के बाप. सो देर आर टू सोल्स दैट आर द अनलिमिटेड फादर्स. आत्माओं का बाप भी बेहद का और मनुष्य सृष्टि का बाप भी बेहद का. द फादर ऑफ द सोल्स एज वेल एज द फादर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड आर अनलिमिटेड. सारी मनुष्य सृष्टि को इन दोनों बाप से बेहद का वर्षा मिलता है. द होल ह्यूमन वर्ल्ड रिसीव्स द अनलिमिटेड इनहेरिटेंस फ्रॉम बोथ ऑफ दीज फादर्स. जो आत्मा बनते हैं, दोज हू बिकम सोल्स, माना आत्मिक स्थिति में रहकर दिखाते हैं. मीनिंग दोज हू स्टेबलाइज इन द सोल कॉन्शियस स्टेज एंड प्रूव देमसेल्व्स. उनको आत्माओं के बाप से वर्षा मिलता है. रिसीव द इनहेरिटेंस फ्रॉम द फादर ऑफ द सोल्स. देवत्व का वर्षा मिलता है. दे रिसीव द इनहेरिटेंस ऑफ डिविनिटी. और जो आत्मिक स्थिति में नहीं रह पाते हैं, एंड दोज हू आर अनेबल टू रिमेन इन द सोल कॉन्शियस स्टेज, देहभान में रह जाते हैं. दोज हू रिमेन बॉडी कॉन्शियस. उनको जो देहधारी मनुष्यों का बाप है उससे नंबर बार बेहद का वर्षा मिलता है. रिसीव द नंबर वाइज अनलिमिटेड इनहेरिटेंस फ्रॉम द फादर ऑफ द बॉडीली ह्यूमन बीइंग्स. हियर नंबर वाइज मीन्स इनहेरिटेंस टू अ ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट अकॉर्डिंग टू दियर स्टेज. रूहानी बाप रूहानी बच्चों को वर्षा देते. द स्पिरिचुअल फादर गिव्स द इनहेरिटेंस टू द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन. रूह पक्का उन्हीं को कहेंगे जो पूरे 84 जन्म लेते हैं. ओनली दोज हु हैव द कंप्लीट 84 बर्थ्स विल बी कॉल्ड परफेक्ट स्पिरिट्स. उनकी संख्या है, देयर नंबर इज, जो आसमान में सितारे गाए जाते हैं. द स्टार्स दैट आर फेमस इन द स्काई. वो है आसमान के जड़ सितारे. दे आर द फिजिकल स्टार्स ऑफ द स्काई. कहते हैं आसमान में 9 लाख सितारे. इट इज सेड दैट देर आर 9 लाख, मीनिंग 900,000 स्टार्स इन द स्काई. और ये है धरती के 9 लाख चैतन्य सितारे. एंड दीज आर द 9 लाख लिविंग स्टार्स ऑफ दिस अर्थ. इन 9 लाख चैतन्य सितारों का बाप है,
ही इज द फादर ऑफ द 9 लाख लिविंग स्टार्स। ये 9 लाख सितारे ज्ञान की चमक मारने वाली सितारे हैं। दीज 9 लाख स्टार्स रेडिएट द लाइट ऑफ नॉलेज। बाकी आत्माएं तो 500-700 करोड़ हैं। एज फॉर द रेस्ट देर आर 5-7 बिलियन सोल्स। परंतु वो उतनी ज्ञान की चमक मारने वाली नहीं है। बट दे डोंट रेडिएट सो मच लाइट ऑफ नॉलेज। इसलिए वो आसमान में देखने में भी नहीं आते। दिस इज वाई दे आरंट विजिबल इन द स्काई ईदर। ये सितारे भी ऊंची स्टेज में। दी स्टार्स आर इन अ हाई स्टेज। और वो सितारे भी ऊंचे स्टेज में। एंड दो स्टार्स आर ऑल्सो इन अ हाई स्टेज। ऊंचाइयों की बुलंदी पर जाते हैं नंबर वार। दे गो टू अ ग्रेट हाइट नंबर वाइज। तो देखो सो लुक भले वहां ज्ञान है। ऑल्दो देयर इज नॉलेज देयर। पर तुम बच्चे जो होंगे बाप के वो तो बाप की गद्दी के वारिस होंगे ना। यू द चिल्ड्रन ऑफ द फादर विल बी हेयर्स टू द फादर्स थ्रोन वोंट यू। बाप की गद्दी कौन सी है। विच इज द फादर्स थ्रोन। आत्माओं का बाप जिस मनुष्य सृष्टि के बाप में आता है जिसको शास्त्रों में अर्जुन भी कह दिए है सदभाग्य का अर्जन करने वाला अर्जुन। द फादर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड इन हुम द फादर ऑफ द सोल्स एंटर्स इन द स्क्रिप्चर्स ही इज ऑल्सो कॉल्ड अर्जुन द वन हु अर्न्स गुड फॉर्चून। जिसके शरीर रूपी रथ को भगवान ग्रहण करते हैं मुकरर रूप से। गॉड टेक्स हिज चैरियट लाइक बॉडी इन अ परमानेंट वे। उसकी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं मन बुद्धि लगाम अपने हाथ में लेकर के। ही कंट्रोल्स हिज इंद्रिया बाय टेकिंग द माइंड एंड इंटेलेक्ट इन द फॉर्म ऑफ रेन्स इन हिज हैंड्स। इंद्रिया मीन्स पार्ट्स ऑफ द बॉडी यूज्ड टू परफॉर्म एक्शंस एंड द सेंस ऑर्गन्स। वो भगवान आत्माओं का बाप दैट गॉड द फादर ऑफ द सोल्स नर अर्जुन को नारायण बनाता है। मेक्स द मैन अर्जुन इनटू नारायण। इस मनुष्य सृष्टि पर पहला गद्दी नशील। द फर्स्ट एयर ऑन दिस ह्यूमन वर्ल्ड। सारी मनुष्य सृष्टि का कंट्रोलर। ही इज द कंट्रोलर ऑफ द एंटायर ह्यूमन वर्ल्ड। विश्व पिता द वर्ल्ड फादर जिसको कहा जाता है जगतम पितरम बंदे पार्वती परमेश्वरो। इट इज सेड फॉर हिम जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो मीनिंग ग्रीटिंग्स टू द फादर ऑफ द वर्ल्ड पार्वती परमेश्वर। एक शंकरी है जिसके लिए गायन है। इट इज ओनली शंकर फॉर हुम देर इज दिस प्रेज। उसे शंकर कहो नारायण कहो। कॉल हिम शंकर और नारायण इट इज द सेम। शंकर पुरुषार्थी जीवन का नाम है। द नेम ऑफ द पुरुषार्थी लाइफ इज शंकर। पुरुषार्थी मीन्स द वन हु मेक्स स्पिरिचुअल एफर्ट। याद में बैठा हुआ है। ही इज सिटिंग इन रिमेम्बरेंस। याद का पुरुषार्थ कर रहा है। ही इज मेकिंग द पुरुषार्थ ऑफ रिमेम्बरेंस। और नारायण प्राप्ति के जीवन का नाम है। एंड द नेम ऑफ द लाइफ ऑफ अटेनमेंट्स इज नारायण। पुरुषार्थ संपूर्ण हुआ पड़ा है। हिज पुरुषार्थ इज कंप्लीट। नर से नारायण बन चुका। ही हैज चेंज्ड फ्रॉम अ मैन टू नारायण। मनुष्य सृष्टि की पहली गद्दी का मालिक बनता है। ही बिकम्स द मास्टर ऑफ द फर्स्ट थ्रोन ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड। जिस गद्दी को दुनिया में कोई और धर्म पिता प्राप्त नहीं कर पाता। नो अदर रिलीजियस फादर इन द वर्ल्ड इज एबल टू ऑब्टेन दैट थ्रोन। उन धर्म पिताओं के हिटलर नेपोलियन मुसोलिनी जैसे
महत्वाकांक्षी भी प्राप्त नहीं कर पाते। द फॉलोवर्स ऑफ दोज रिलीजियस फादर्स द एम्बिशियस पीपल लाइक हिटलर नेपोलियन मुसोलिनी aren't able to achieve that throne either. सारी दुनिया पर कोई भी विजय नहीं प्राप्त कर पाते। No one is able to gain victory over the entire world. वो विश्व विजय करके दिखलावे। People say we will gain victory over the world. कहते हुए झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। They also say let our flag the lovely tricolor that gains victory over the world be held high. वो भक्त लोग समझ लेते हैं कोई कपड़े का झंडा होगा। Those devotees think that it must have been a cloth flag. अरे कपड़े की झंडे की बात नहीं है। अरे it isn't about a cloth flag. कपड़े का झंडा कभी विश्व विजय नहीं प्राप्त करता। A cloth flag never gains victory over the world. ये शरीर रूपी कपड़ा है। This is the cloth-like body. और वो तीन विशेष शरीर रूपी कपड़े हैं। And it is the three special cloth-like bodies. जिन्होंने आपस में संस्कार मिला करके सारे विश्व पर विजय प्राप्त की थी। Who harmonized their संस्कार and gained victory over the entire world. ऊपर का अव्वल नंबर कपड़ा। The number one cloth on the top. क्रांतिकारी रंग। The color of revolution. केसरिया रंग का सूचक है। Is a memorial of the saffron color. जो इस संसार रूपी जंगल में शेर की तरह ज्ञान की दहाड़ मारता है। That roars knowledge like a tiger in the jungle like world. और उसके ज्ञान की दहाड़ का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। And no one can face his roar of knowledge. वो ज्ञान की दहाड़ सब धर्मों का खंडन कर देती है। That roar of knowledge refutes all the religions. जैसे नेवला विष उगलने वाले सर्पों को खंडन कर देता है। Just like a mongoose breaks into pieces the snakes that spit venom. मार देता है। It kills them. ऐसे ही सिमिलरली वो अव्वल नंबर पुरुषार्थी शंकर, द नंबर वन पुरुषार्थी शंकर, जो पुरुषार्थ होना हो पूरा होने पर नारायण कहा जाता है। ऑन कंप्लीशन ऑफ हिज पुरुषार्थ इज कॉल्ड नारायण। शास्त्रों में भी लिखा है सतयुग के आदि में। इट इज ऑल्सो रिटन इन द स्क्रिप्चर्स That in the beginning of the golden age, Sula Kala Sampoorna, Sampoorna Hinsaka, Maryada Purushottam, Devi Devata Dharma ke Sanchalak ka naam tha, Purushottam Narayan. The name of the administrator of the ancient deity religion, who was complete with 16 celestial degrees, completely non-violent and highest among all the souls in following the code of conduct, Maryada Purushottam was Purushottam Narayan. Purush atmaon ko kaha jata hai. The souls are called Purush. Sharir rupi puri mein sone wali, shayan karne wali. The souls that sleep in the abode-like body. Jo bhi atmae hain. Un sab mein uttam. पुरुषोत्तम नारायण। He is the best among all the souls, the Purushottam Narayan. जिसने विश्व विजय की थी। Who gained victory over the world. वो विश्व विजय कब की थी? भक्तों को पता नहीं है। The devotees don't know when he gained victory over the world. कोई कहते हैं विश्व विजय का यज्ञ पांडवों ने किया था द्वापर के अंत में। Some say the Pandavas organized a yagya to conquer the world at the end of the Copper Age. जब महाभारत युद्ध हुआ था। When the Mahabharat war was fought. कृष्ण भगवान ने सहयोग दिया था।
गॉड कृष्णा हेल्प्ड देम। अरे कृष्ण भगवान ने सहयोग दिया द्वापर के अंत में आकर। अरे इफ गॉड कृष्णा केम एंड हेल्प्ड देम इन द एंड ऑफ द कॉपर एज, तो क्या ये विश्व विजय हुई? देन वॉज दिस कॉन्करिंग द वर्ल्ड? जो द्वापर के अंत में पापी कलयुग का आरंभ हो गया। दैट द सिंफुल आयरन एज कमेंस्ड इन द एंड ऑफ द कॉपर एज, ये कैसे हो सकता है? हाउ कैन दिस हैपन? कोई भी पिता मकान को तभी गिराता है। एनी फादर डिमोलिशेज अ हाउस, जब मकान जर्जरी भूत तामसी बन जाता है। When the house becomes dilapidated and degraded, उसमें कोई सुख नहीं मिलता। You get no happiness from it. दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है। Everything in the world passes through the four stages. ये सृष्टि रूपी मकान भी। This house like world also. जैसे मनुष्य चार अवस्थाओं से पसार होते हैं। Just as human beings pass through four stages. शैशवावस्था, किशोरावस्था, नौजवानी और बुढ़ापा। चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, यूथ एंड ओल्ड एज। ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि भी चार अवस्थाओं से पसार होती है। सिमिलरली दिस ह्यूमन वर्ल्ड आल्सो पासेस थ्रू फोर स्टेजेस, जिन अवस्थाओं का नाम सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग रखा गया है। दो स्टेजेस हैव बीन नेम्ड द गोल्डन एज, द सिल्वर एज, द कॉपर एज एंड द आयरन एज। कोई भी ड्रामा खेलते हैं, नाटकबाजी करते हैं, तो उसमें कितने सीन दिखाए जाते हैं? When any drama is played, how many scenes are shown in it? 3-4 सीन दिखाए जाते हैं। 3-4 scenes are shown. तो ये मनुष्य सृष्टि रूपी ड्रामा भी। So, this drama like human world also has 4 scenes. जब ये मनुष्य सृष्टि रूपी मकान पूरा तमोप्रधान बन जाता। When this building like human world becomes completely tamopradhan, दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं रहता। When there isn't a single human being in this world, जो मन से, तन से, वाचा से, धन से पूरा सुखी हो जाए। Who is totally happy through the mind, body, speech and wealth, तब ऐसे समय में, then at such a time, भगवान ही सृष्टि पर आकर के कलयुग के अंत में नई दुनिया सतयुग की स्थापना करता है। गॉड कम्स टू दिस वर्ल्ड एंड एस्टेब्लिशेस द न्यू वर्ल्ड द गोल्डन एज एट द एंड ऑफ द आयरन एज। तो देखो, सो लुक, बाप की गद्दी के मालिक, द हेयर्स टू द फादर्स थ्रोन, बाप की गद्दी सारी सृष्टि को कंट्रोल करती है, जिसे भगवान बाप कहा जाता है। द फादर हु इज कॉल्ड गॉड द फादर, हिज थ्रोन कंट्रोल्स द एंटायर वर्ल्ड। उस गद्दी का पहला कंट्रोलर नारायण ही बनता है। इट इज नारायण हु बिकम्स द फर्स्ट कंट्रोलर ऑफ दैट थ्रोन। और वो भी अहिंसा का आधार लेकर। एंड दैट टू बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ नॉन वायलेंस। हिंसा करने वाले राक्षसी संप्रदाय हिंसा करते हैं। दोज बिलोंगिंग टू द डिमोनिक कम्युनिटी यूज वायलेंस। बाहुबल चलाते हैं। दे यूज फिजिकल पावर। झूठे आरोप लगाते हैं। चार्ज फॉल्स एक्यूसेशंस। ज्ञान यज्ञ को विध्वंस करते हैं। दे डिस्ट्रॉय द यज्ञ ऑफ नॉलेज। ग्लानी रूपी हड्डियां और मांस ज्ञान यज्ञ कुंड में डालते हैं। दे थ्रो डेफोमेशन इन द फॉर्म ऑफ बोन्स एंड फ्लैश इन द यज्ञ कुंड, मीनिंग पिट फॉर सेक्रिफिशियल फायर ऑफ नॉलेज। परंतु भगवान आकर के जो अहिंसा की शिक्षा देते हैं। बट द टीचिंग ऑफ नॉन वायलेंस दैट गॉड गिव्स व्हेन ही कम्स, उस अहिंसा पर
वो नारायण और सूर्यवंशी, नारायण के सूर्यवंशी बच्चे अडिगो होकर के काम करते हैं। नारायण एंड द सूर्यवंशी चिल्ड्रन ऑफ द सूर्यवंशी नारायण रिमेन स्टेडी विद दैट टीचिंग ऑफ नॉन वायलेंस एंड डू देयर टास्क। तो वो ऐसे बच्चे बाप की गद्दी के वारिस बन जाते हैं। सो सच चिल्ड्रन बिकम द हेयर्स टू द फादर्स थ्रोन। दुनिया में हिस्ट्री बताती है, इन द वर्ल्ड द हिस्ट्री सेज कि कोई भी हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, दैट नो हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी हिंसा का आधार लेकर सारे विश्व की विजय प्राप्त नहीं कर सके। कुड कॉन्कर द होल वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ वायलेंस। ये नियम नहीं कहता है कि हिंसा विजयी हो जाए। इट इज अगेंस्ट द रूल दैट वायलेंस गेन्स विक्ट्री और अहिंसा हार जाए एंड नॉन वायलेंस लूजेस। देवी देवताएं अहिंसक होते हैं, डेटीज आर नॉन वायलेंट। भगवान ही आकर के नरको नारायण जैसा देवी देवता बनाता है। गॉड हिमसेल्फ कम्स एंड मेक्स अ मैन इनटू अ डेटी लाइक नारायण। तुम बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं ना? So, you children obtain the inheritance from the father, don't you? वहाँ सतयुग में भी तो, त्रेता में भी तो जिस्म तो होता है ना? There, in the golden and silver age, the body certainly exists, doesn't it? Napoleon Bonaparte, Mussolini, ये विश्व विजयी आकांक्षक थे। Napoleon Bonaparte, Mussolini had an ambition to conquer the world. जिस्म उनको भी था, उनके जिस्म में भी आत्मा थी। They too had a body. Their body also had a soul. परंतु अंतर क्या होता है? But what is the difference? अंतर यही होता है। The very difference is कि देवताएं अपने को ज्योतिबिंदु आत्मा समझते हैं। That the deities consider themselves to be point of light souls. आत्मा के ऊपर कंसंट्रेशन होता है। Their concentration is over the soul. और देह अभिमानी मनुष्य अपन को देह समझते। And the body conscious human beings consider themselves to be a body. विजय प्राप्त करने के लिए देह का आधार लेते हैं। They take the support of the body to gain victory. आत्मिक स्थिति का आधार नहीं लेते। They don't take the support of soul consciousness. अपन को भी आत्मिक रूप में नहीं देखते। They don't look at themselves with soul consciousness. और सामने वालों को भी आत्मिक स्थिति में नहीं देखते। Nor do they look at people in front of them in the soul conscious stage. वहाँ सतयुग त्रेता में भी तो जिस्म होता है ना देवताओं को। There, in the golden and silver age as well, the deities have a body, don't they? परंतु वो तो आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं। बट दे आर स्टेबल इन द सोल कॉन्शियस स्टेज। अपने को ज्योति बिंदु आत्मा देखते हैं। दे सी देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ अ पॉइंट ऑफ लाइट सोल। दूसरों को भी ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखते हैं। दे ऑल्सो लुक एट अदर्स इन द फॉर्म ऑफ अ पॉइंट ऑफ लाइट सोल। जिसकी यादगार माताएं आज भी मस्तक में क्या लगाती हैं? इन रिमेम्बरेंस ऑफ दिस What do the mothers apply on their forehead even today? बिंदी लगाती हैं। They apply a bindi, meaning a dot. आत्मिक स्थिति में स्थित रहती हैं। They remain stable in the soul conscious stage. उन माताओं ने ही देह की परवाह न करके, जिस्म की परवाह न करके, Those very mothers didn't care for their body. क्या किया था? And what did they do? हिस्ट्री में कुछ किया था? Did they do anything in history? क्या किया था? What did they do? जौहर किया था। They committed जौहर, meaning self-immolation by jumping into fire. अपन को आत्मा समझते हुए देह को अग्नि में स्वाहा कर दिया। They considered themselves a soul and sacrificed their body
इन फायर. वो तो भक्ति मार्ग की परंपरा थी. दैट वॉज अ ट्रेडिशन ऑफ द पाथ ऑफ भक्ति. भगवान बाप आकर के ज्ञान मार्ग की परंपरा डालते है. गॉड द फादर कम्स एंड स्टार्ट्स अ ट्रेडिशन ऑफ द पाथ ऑफ नॉलेज. कहते हैं देह को जौहर करने की जरूरत नहीं है. ही सेज देयर इज नो नीड टू कमिट जौहर थ्रू द बॉडी. देह को अग्नि में स्वाहा करने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड टू सैक्रिफाइस द बॉडी इन फायर. बल्कि इस देह अभिमान को क्या करना है. बट वॉट शुड यू डू टू दिस बॉडी कॉन्शियसनेस. है योग अग्नि में भस्म कर देना. यू हैव टू बर्न इट टू एशेस इन द फायर ऑफ योग. भक्ति मार्ग में सब उल्टा चलता है देह भान के आधार पर. एवरीथिंग इज डन द रॉन्ग वे इन द पाथ ऑफ भक्ति ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस. और ज्ञान मार्ग में सब सीधी बातें बताई जाती. एंड इन द पाथ ऑफ नॉलेज यू आर टोल्ड द राइट थिंग्स. तो देखो सो लुक राक्षसों को भी जिस्म होता है. डीमंस हैव अ बॉडी. और लक्ष्मी नारायण जैसे देवताओं को भी जिस्म होता है. एंड डेटीज लाइक लक्ष्मी नारायण ऑल्सो हैव अ बॉडी. अंतर क्या होता है. वॉट इज द डिफरेंस. जो राक्षस हिंसक बन जाते हैं. सच दैट द डीमंस बिकम वायलेंट. और देवताएं हिंसक बन जाती हैं. एंड द डेटीज बिकम नॉन वायलेंट. ये तो शास्त्रों में बकवास लिख दिए. दे हैव रिटन नॉनसेंस इन द स्क्रिप्चर्स. कि देवासुर संग्राम हुआ. देयर वॉज अ वॉर बिटवीन द डेटीज एंड द डीमंस. खून खराबा हुआ. देयर वॉज ब्लड शेड. राम रावण युद्ध हुआ त्रेता में. देयर वॉज द वॉर बिटवीन राम एंड रावण इन द सिल्वर एज. एक तरफ कहते हैं राम का राज्य था त्रेता में. ऑन द वन साइड दे से that there was the rule of Ram in the silver age. सब बहुत सुखी थे. और दूसरी तरफ राम की सीता चुरा ली रावण ने. Everyone was very happy. And on the other side they say that Ravan abducted Ram's Sita. कोई आगा पीछा ही नहीं. There is no sense in it at all. बाप कहते हैं. The father says. लक्ष्मी नारायण को जिस्म तो होता है. लक्ष्मी नारायण डू हैव अ बॉडी. परंतु वो आत्मिक स्थिति में रहते. बट दे रिमेन इन द सोल कॉन्शियस स्टेज. राधे कृष्ण बच्चों को भी तो जिस्म होता है ना. द चिल्ड्रन राधा कृष्ण ऑल्सो हैव अ बॉडी डोंट दे. वो जिस्मानी बाप माँ और बाप से राधा कृष्ण भी वर्षा लेंगे. राधा कृष्णा विल ऑल्सो ऑब्टेन द इनहेरिटेंस फ्रॉम दोज फिजिकल पेरेंट्स. तो वो भी जिस्मानी बात हो गई. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग फिजिकल. यहाँ वो बात नहीं है. हियर इट इजंट लाइक दैट. यहाँ तुमको जिस्म के आधार पर एक जन्म का वर्षा बाप से नहीं मिलता है. हियर यू डोंट रिसीव द फिजिकल इनहेरिटेंस बेस्ड ऑन द बॉडी फॉर वन बर्थ फ्रॉम द फादर. जैसे वो गुरु लोग होते हैं भक्ति मार्ग में कहते हैं चिरंजीवी बाबा. फॉर एग्जाम्पल दोज गुरुज ऑन द पाथ ऑफ भक्ति से मे यू लिव लॉन्ग. तो ये देह का वरदान दिया या आत्मा का वरदान दिया. डिड दे गिव अ ब्लेसिंग फॉर द बॉडी और फॉर द सोल. देह का वरदान दिया. दे गेव अ ब्लेसिंग फॉर द बॉडी. पुत्रवान भव. दे से मे यू हैव अ सन. ये देह का वरदान दिया या आत्मा का वरदान दिया. इज दिस अ ब्लेसिंग फॉर द बॉडी और फॉर द सोल. देह का वरदान दिया. दे गेव अ ब्लेसिंग फॉर द बॉडी. भगवान ये देह का वरदान एक जन्म के लिए नहीं देते. गॉड डजंट गिव दिस ब्लेसिंग ऑफ द बॉडी फॉर वन बर्थ. अनेक जन्मों की सुख शांति का वर्षा देते. ही गिव्स द इनहेरिटेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस फॉर मेनी बर्थ्स. शांति है मुक्ति और सुख है जीवन मुक्ति. पीस इज मुक्ति मीनिंग लिबरेशन एंड हैप्पीनेस इज जीवन मुक्ति मीनिंग लिबरेशन इन लाइफ. शरीर रहते रहते
जिसमें रहते रहते जन्म जन्मांतर का सुख देती है। He gives you happiness for many births while the body exists. जन्म जन्मांतर का सुख का वर्षा कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सकता। No human being can give the inheritance of happiness for many births. कोई धर्म पिता नहीं दे सकता। No religious father can give it. न इब्राहिम, न बुद्ध, न क्राइस्ट, कोई माई बाप का लाल नहीं दे सकता। Nor Abraham, neither Buddha, nor Christ, no son of any parents can give it. ये एक ही परमपिता परमात्मा है। It is only the Supreme Father, Supreme Soul, जो अनेक जन्मों की सुख शांति का वर्षा आत्मा को देता है। Who gives the inheritance of happiness and peace for many births to the soul. तो देखो। So look. वो हिस्ट्री में जिस्मानी राजा रानी से वर्षा लेते आए हैं। They have been obtaining the inheritance from the physical king and queen in history. कितने जन्म का? For how many births? है? एक जन्म का। For one birth. और यहाँ तुम बच्चे रूहानी बाप से रूह का अनेक जन्मों का वर्षा लेते। And here you children obtain the inheritance of the spirit for many births from the spiritual father. रूह का कनेक्शन अनेक जन्मों से है। The spirit has a connection with many births. और जिस्म का कनेक्शन एक जन्म से है। And the body has a connection with one birth. जिस्मानी मनुष्य मनुष्य से। Physical human beings receive the inheritance from human beings. क्योंकि मनुष्य धंधे वाले होते हैं। Because human beings do business. कोई भी है उन धंधे धोरी वालों से धंधे धोरी का वर्षा लेते। Be it anyone, they obtain the inheritance of business from those who do business. ये धंधा धोरी जिस्म से किया जाता है। Our business and activities done through the body. या आत्मा फुदुक फुदुक के धंधा धोरी करती है। Or does the soul hop around to do business and activities? है? जिस्म से करती है। It is done through the body. बाप हमको ऐसा धंधा सिखाते हैं। The father teaches us such an occupation. कि आत्मिक स्थिति में रहो यही तुम्हारी तपस्या है। Be in the soul conscious stage. This itself is your tapasya, meaning intense meditation. अपन को आत्मा समझना, ज्योति बिंदु समझना, मैं प्रकृति के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूँ, इसमें कोई जिस्म की दरकार है? To consider yourself a soul, to consider yourself a point of light, I am a soul that shines in the center of the forehead. Does it require the body? है? नहीं? Does it? No. ब्रकुटी के मध्य में हूँ तो भी आत्मा हूँ। I am a soul if I am in the center of the forehead. और ये ब्रकुटी रूपी तख्त हम छोड़ देंगे तो भी आत्मा रहेंगे। And if I leave this throne of the Brikuti, meaning place between the two eyebrows, I will remain a soul. ये षष्ठी रूपी रंगमंच भी छोड़ देंगे। Even if I leave this stage like world, आत्मलोक परम धाम ब्रह्मलोक में चले जावेंगे तो भी आत्मा रहेंगे। If I go to the soul world, supreme abode, ब्रह्मलोक, still I will be a soul. तो देखो धंधे धोरी वाले होते हैं वो धंधे धोरी वालों से वर्षा लेते हैं मनुष्यों से। So look, those who do business and activities obtain the inheritance from those who do business and activities. From human beings. और बाप हम आत्माओं का बाप परम धाम में क्या धंधा धोरी करता है? And what activity does the father of us souls, do in the supreme abode? अरे कोई धंधा धोरी करता है? नहीं। अरे does he have any activity? No. आत्मिक स्थिति में स्थित होकर रहता है, इस सृष्टि पर भी आता है। He remains constant in the soul conscious stage. Even when he comes to this world, भले देह में आता है, although he comes in a body, पुरानी तमोप्रधान देह में आता है, he comes in an old तमोप्रधान body.
पुरानी दुनिया में आता है और पुराने से पुराने गांव में आता है। He comes in the old world and the oldest village. पता चला पुराने से पुराने गांव का नाम क्या है? Did you come to know what the name of the oldest village is? नहीं पता चला। You didn't come to know. है? ऐसा गांव? It is such a village. जहां मनुष्य स्त्री और पुरुष के रूप में यज्ञ कुंड से जन्म लेते हैं। Where human beings in the form of a man and a woman are born from the yagya kund, meaning pit of a ritual fire, yagya. Yogagni से जन्म लेते हैं। They are born from the fire of yog. वो पानी के कुंड की बात नहीं जो मनुष्यों ने बनाए दिए। It isn't about the pit of water that human beings have made. वो भक्ति मार्ग में जिस्मानी मनुष्यों का बनाया हुआ कुंड है। That is a pit made by bodily human beings on the path of bhakti. असली कुंड कौन सा है? Which is the real kund? ज्ञान यज्ञ कुंड है। The yagya kund of knowledge. इसका नाम ही है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड। Its very name is the imperishable yagya kund of the knowledge of Rudra, a name of Shankar. तो तुम यहाँ वर्षा लेते ही हो। So the very inheritance that you obtain here. अपन को आत्मा समझ करके परमात्मा से वर्षा लेते हो। You consider yourself a soul and obtain the inheritance from the supreme soul. तो ये दुनिया से ये बात बिल्कुल न्यारी है। So this subject is totally unique in this world. सतयुग में भी तो ऐसे होगा ना बच्ची? Daughter, this will happen also in the golden age, won't it? इनका भी तो बच्चा होगा ना? These ones will also have a child. Won't they? किनका? Who? है? इनका कहके बच्चा बताया ना किनका? He said, these ones child, didn't he? Whose? एक तो लक्ष्मी नारायण की तरफ इनका कहते थे। One thing is that he used to say these ones for लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण दोनों का वर्षा हो बच्चा होगा राधा कृष्ण। राधा कृष्ण will be the children of both लक्ष्मी नारायण। ये देखो ये कोई इनका बच्चा नहीं है। Look, this one isn't their child. ये राधे और कृष्ण। These राधे and Krishna. ये जो स्वयंवर के बाद बने हैं। Who have become लक्ष्मी नारायण after स्वयंवर। कृष्ण अलग है। Krishna is different. और राधे अलग है। And राधे is different. क्या कहा? What was said? ये देखो किसकी तरफ इशारा किया? Look at this. Whom did he indicate? ये कोई इनका बच्चा नहीं है। This one isn't their child. अभी राधा कृष्ण की तरफ इशारा किया किसका बच्चा? Right now he indicated राधा कृष्ण whose children are they? है? लक्ष्मी नारायण का वर्षा। द चिल्ड्रन ऑफ लक्ष्मी नारायण। जो डायरेक्ट नर से नारायण बनती हैं। वो बिकम नारायण डायरेक्टली फ्रॉम अ मैन। और नारी से लक्ष्मी बनती हैं। एंड लक्ष्मी फ्रॉम अ वुमन। उनका वर्षा लेने वाले राधा कृष्ण हैं। राधा कृष्ण आर दोज हु टेक द इनहेरिटेंस फ्रॉम देम। फिर बोला ये देखो ये कोई इनका बच्चा नहीं है। Then it was said, look, this one isn't their child. माना जो संगमयुगी नर से नारायण बनने वाले हैं नर नारायण। It means those who are going to become नर नारायण, meaning नारायण from a man in the confluence age. वो कोई राधे कृष्ण के बच्चा नहीं बनते हैं। डोंट बिकम द चिल्ड्रन ऑफ राधे कृष्ण। माना ब्रह्मा सरस्वती के बच्चा नहीं बनते हैं। इट मीन्स दे डोंट बिकम द चिल्ड्रन ऑफ ब्रह्मा सरस्वती। ही राधे और कृष्ण ये तो स्वयंवर के बाद बने हैं। राधे एंड कृष्ण हैव बिकम लक्ष्मी नारायण आफ्टर द स्वयंवर। तो कृष्ण अलग है
और वो राधे अलग है. सो कृष्णा इज डिफरेंट एंड दैट राधे इज डिफरेंट. राधे लक्ष्मी बनती है. राधे बिकम्स लक्ष्मी. सो अलग घर की. शी बिलोंग्स टू अनदर फैमिली. क्या कहा? What was said? है? अरे कौन से राधे कृष्ण की बात कर रहे? अरे he is speaking about which राधे कृष्ण? कि वो अलग घर की, वो अलग घर की. Saying that both of them belong to separate families. जो नरनारायण के नीचे खड़े हैं उनकी बात कर रहे हैं क्या? Is he speaking about those who are standing below नरनारायण? Meaning the one who becomes नारायण from a man. उनकी बात नहीं कर रहे. He isn't speaking about them. ये संगम युग में ज्ञान सूर्य भगवान शिव का डायरेक्ट ज्ञान लेने वाले. He is speaking about the ones who take the knowledge directly from the sun of knowledge, God Shiv, in the confluence age. कृष्ण जैसे बच्चे. The children like Krishna. सूर्यवंशी बच्चे. The Suryavanshi children. Fake Suryavanshi. The genuine Suryavanshi. Original Suryavanshi. Krishna. The original Suryavanshi Krishna. और राधा ओरिजिनल सूर्यवंशी होती है. एंड इज राधा एन ओरिजिनल सूर्यवंशी. के ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की बच्ची होती है. और इज शी द डॉटर ऑफ द मून ऑफ नॉलेज ब्रह्मा. वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की चंद्रवंशी बच्ची थी पहले संगमयुगी राधा. अर्लियर द कॉन्फ्लुएंस एज राधा वॉज अ चंद्रवंशी डॉटर ऑफ द मून ऑफ नॉलेज ब्रह्मा. बाद में जब स्वयंवर हो जाता है सूर्यवंशी कृष्ण के साथ. लेटर व्हेन द स्वयंवर टेक्स प्लेस विद द सूर्यवंशी कृष्णा. तो क्या बन जाती है? व्हाट डज शी बिकम? सूर्यवंशी बन जाती है. शी बिकम्स सूर्यवंशी. तो फिर दोनों ही सूर्यवंशी कहे जाते हैं. देन बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड सूर्यवंशी. इसलिए कहा वो अलग घर की. कौन? दिस इज व्हाई इट वॉज सेड She belongs to another family. Who? Radha. और वो अलग घर का. कौन? Radha. And he belongs to another family. Who? Krishna. Krishna. वो सूर्यवंशी घराना. That is the family of the Suryavanshi. और वो? चंद्रवंशी घराना. And that is the family of the Chandravanshi. क्या अंतर होता है? What is the difference? सूर्य में ज्ञान की रोशनी ज्यादा होती है. इज देयर मोर लाइट ऑफ नॉलेज इन द सन? या चंद्रमा में ज्ञान की रोशनी ज्यादा होती है. और डस द मून हैव मोर लाइट ऑफ नॉलेज? सूर्य में ज्ञान की रोशनी बहुत अकूत होती है, भरपूर होती है. द सन हैज अ लॉट ऑफ द लाइट ऑफ नॉलेज विच इज इनएग्जॉस्टिबल एंड अबंडेंट. कैसी रोशनी? व्हाट काइंड ऑफ अ लाइट? है जिसके लिए शास्त्रों में भी गायन है. For this it is also praised in the scriptures. Purnamidam. वो पूर्ण है. Purnamidam meaning he is complete. Purnamadah purnat purnam yaduchyate. Purnamadah purnat purnam udichyate. Purnasya purnamadaye purnameva avashishyate. Purnasya purnamadaye purnameva avashishyate. वो ज्ञान सूर्य पूर्ण है. Meaning, the sun of knowledge is complete. कैसा पूर्ण है? He is complete in what way? उस पूर्ण में से पूरा ही ज्ञान योग की पावर निकाल लो. Extract the complete power of knowledge and yoga from that completeness. तो भी क्या बचेगा? Still, what will remain? पूर्ण ही बचेगा. Just completeness will remain. ऐसी वो ज्ञान योग का खूट भंडार है. He is such an immense storehouse of knowledge and yoga. कोई पूछे भगवान क्या है? Someone may ask you, what is God? तुमको भगवान क्या देता है? तो क्या कहेंगे? What does God give you? What will you say? क्या कहेंगे? What will you say? हैं? अरे भगवान ज्ञान और योग का अखूट भंडार है. अरे God is an immense storehouse of knowledge and yoga.
उससे हमको क्या मिलता है? What do we get from him? ज्ञान भी मिलता है और योग की पावर भी मिलती है। We get knowledge as well as the power of योग। कैसी योग की पावर? What kind of a power of योग? ऐसी योग की पावर? It is such a power of योग जो मनुष्यों की बनाई हुई साइंस विज्ञान के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेती है। That gains victory even over the science made by human beings. विज्ञान क्या करता है? What does science, विज्ञान do? विज्ञान की शक्ति रावण की शक्ति है। The power of science is the power of रावण। कहते हैं रावण ने क्या किया था? It is said, what did रावण do? रावण ने पांचों देवताओं को अपनी पार्टी से बांध करके रखा था। He tied all the five deities to his bedstead. वायु देवता को बांध के रखा था। He tied the deity of wind. यूं इशारा करता था, ए पंखा चले, पंखा चलाता था। He indicated this way, saying the fan should work, and the fan started working. यूं इशारा करे। He indicated this way. जनरेटर चलाता था। And the generator started working. अग्नि देवता को इशारा करे, यूं इशारा किया, एटम बम फट पड़ा। He indicated the deity of fire in this way, and the atom bomb started exploding. देश के देश नाश कर दिए। It destroyed many countries. पृथ्वी को इशारा किया। He indicated the earth. एटम बम फटते हैं तो क्या होता है? What happens when atom bombs explode? है? भूकंप आ जाता है। Earthquake occurs. पृथ्वी माता हिल जाती है। The Mother Earth shakes. कि 2500 वर्ष के अंदर। Within these 2500 years. इन वैज्ञानिकों ने जिनको राक्षसी संप्रदाय कहा जाए। The scientists who are called those belonging to the demonic community. इन्होंने धरणी को बहुत त्रास दिया है। They have troubled the earth a lot. इनके संग के रंग में आकर। By coming in the color of their company. जो देवताएं थे, देवात्माएं, वो देवात्माएं भी कुसंग में आने के कारण वही दुष्कर्म करने लगी। The deity souls came in bad company and started doing the same wicked actions. और धरणी रूपी माताओं कन्याओं को हिलाने लगी। And they started shaking the maidens and mothers in the form of the earth. फिर क्या होता है? Then what happens? आसुरी शक्ति को नष्ट करने के लिए To destroy this demonic power. उन एटमिक एनर्जी तैयार करने वालों को उनका बाप बन करके भगवान बाप आते हैं। Those who make the atomic energy, God the Father comes as their father. मुरली में सुना होगा बच्चे। You might have heard in the Murli, children. सारी सृष्टि के बच्चों की तरफ इशारा करते। He indicates the children of the entire world. बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ। Children, your father has come. कैसा बाप? What kind of a father? क्या टाइटल है उसका? What title does he have? हर हर बम बम। हर हर बम बम। उन बम बनाने वाले वैज्ञानिकों में बम बनाने की तो शक्ति है। The scientists who make bombs do have the power to make them. और छुटपुट बम छोड़ने की भी शक्ति है। And they also have the power to explode small bombs. लेकिन ऐसी शक्ति नहीं है। But they don't have such a power. जो सारी दुनिया को विश्वदित दंश कर दे। That they could destroy the entire world. ये काम बाप आकर के उन्हीं के हाथों से कराते हैं। The father comes and has this work done through their very hands. कब कराते हैं?
When does he have this done? जब ऐसी आत्मिक स्थिति बन जाती है पक्की. When you achieve such a firm soul conscious stage. क्या आत्मा अपने शरीर को छोड़ करके उन वैज्ञानिकों में प्रवेश कर जाती है. That the soul leaves its body and enters the scientists. प्रवेश करके उनकी बुद्धि को मोड़ देती है. And after entering them, it turns their intellect. और उन्हीं वैज्ञानिकों के द्वारा विनाश करा के भंबोर को आग लगाई जाती. And has the destruction done through those very scientists? And has the haystack, meaning the world, set on fire? तो देखो कौन सी शक्ति से वो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए हुए बम किया विस्फोट होता है. So look, through which power are the bombs made by scientists exploded? एक तरफ इस सृष्टि पर भगवान आता है. On the one side, God comes in this world. और दूसरी तरफ. And on the other side. उसी समय से. From that very time. माने 1935-36 से ही. Meaning. From 1935-36 itself, एटमिक एनर्जी का भी निर्माण शुरू होता है. It is also the beginning of the atomic energy. उससे पहले एटम बमों का नाम निशान नहीं था. Before that, there wasn't a trace of the atom bombs. उस समय ये ढेर के ढेर भगवान भी नहीं आए हुए थे. At that time, numerous gods didn't come either. जब सच्चा हीरा होता है. When the real diamond is born. तो उसको देख करके डुप्लीकेट हीरे भी तैयार हो जाते. Then duplicate diamonds also come up as an imitation. ढेर के ढेर योग सिखाने वाले निकल पड़ते हैं. Many people come out who teach yog. भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट से बड़े बड़े पुरस्कार पाते हैं. They receive big rewards from the unrighteous government. बड़े बड़े सहयोग पाते हैं. They receive a lot of cooperation. लेकिन भगवान तो गुप्त रूप में आता है. But God comes in a hidden form. गुप्त वेश में सतयुगराज ने आया शिव भगवान. God Shiv has come in a hidden form to establish the golden age. बोलते हैं अब तो जाग जाग इंसान. They say, at least wake up now, O human beings. तो कौन सी ताकत है? So, it is through which power? जिससे विज्ञान के ऊपर भी वैज्ञानिकों के ऊपर भी विजय प्राप्त की जाती है. That we gain victory even over science and the scientists. है? है? Silence. Student, silence. हाँ, एक होता है भगवान का दिया हुआ ज्ञान. Yes, one thing is the knowledge given by God. और ज्ञान से भी ऊपर चीज होती है विज्ञान. And superior to knowledge is विज्ञान. इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है ज्ञानात् ज्ञानम् विशेष्यते. This is why it is also written in the Gita, ज्ञानात् ध्यानम् विशेष्यते, meaning ध्यान, meaning remembrance, is superior to knowledge. ज्ञान से क्या विशेष है? What is special when compared to knowledge? ध्यान. ध्यान meaning remembrance. ध्यान को कहेंगे विशेष ज्ञान. ध्यान will be called special knowledge. ध्यान माने योग. ध्यान means योग. तो भगवान ज्ञान योग की शक्ति का भंडार है. So God is the storehouse of the power of knowledge and yog. वो भंडार इस समय वो दाता के रूप में दे रहा है. He is giving you that storehouse in the form of a giver at this time. एक ही जन्म में आकर के देता है. He comes in just one birth and gives it. जैसे गीता में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है. It isn't like it is written in the Gita, in the scriptures. जन्म जन्म लगे प्रभु अवतारा. God incarnates in every birth. संभवाम योगे योगे. संभवामि युगे युगे. मैं हर युग में आता हूँ. I come in every age. नहीं. No. सात्विक युग में आकर के क्या करेंगे? What will he do by coming in a pure age? वो तो है सत्य का युग.
दैट इज एनी वे एन एज ऑफ ट्रूथ. कब आएंगे? व्हेन विल ही कम? झूठ खंड में आएंगे या सच खंड में आएंगे भगवान? विल ही कम इन द लैंड ऑफ फॉल्सहुड और इन द लैंड ऑफ ट्रूथ? क्या करने आएंगे? ही विल कम टू डू व्हाट? झूठ खंडों को सच खंड बनाने आते. ही कम्स टू ट्रांसफॉर्म द फॉल्स वर्ल्ड इनटू अ ट्रू वर्ल्ड. तो भगवान आते हैं. सो गॉड कम्स. जो द्वैतवाद फैल जाता है, द ड्यूअलिटी दैट स्प्रेड्स, दो दो धर्म, टू रिलीजन्स, दो दो राज्य, टू किंगडम्स, दो दो कुल, टू फैमिलीज, दो दो भाषाएं, टू लैंग्वेजेस, और दो 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 चार, चार से आठ, आठ से सोलह, मल्टीप्लिकेशन होता जाता है सारी दुनिया में. एंड दे कीप मल्टीप्लाइंग फ्रॉम टू टू फोर, फ्रॉम फोर टू एट, फ्रॉम एट टू सिक्सटीन इन द एंटायर वर्ल्ड. तब भगवान ही आकर के इस आग लगाओ बात को खत्म करते हैं. देन गॉड हिमसेल्फ कम्स एंड एंड्स दिस फ्रेगमेंटेशन. जो द्वैत भाव कौन सी युग से शुरू होता है? दिस ड्यूअलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम विच एज? द्वापर युग से शुरू होता है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द कॉपर एज. इसलिए दिस इज व्हाई द्वापर युग से आने वाले जो धर्म हैं, द रिलीजन्स कमिंग फ्रॉम द कॉपर एज, जो दो दो धर्म फैलाते हैं, दो दो राज्य फैलाते हैं, दैट स्प्रेड टू रिलीजन्स, टू किंगडम्स, दो दो कुल बनाते हैं, दो दो भाषाएं बनाते हैं, टू फैमिलीज, टू लैंग्वेजेस, उनको द्वैतवादी राक्षस कहा जाता है. दे मीनिंग पीपल हु स्प्रेड ड्यूअलिटी आर कॉल्ड ड्यूअलिस्टिक डीमंस. अभी भी भारत में ये परंपरा चल रही है. इवन नाउ दिस ट्रेडिशन इज प्रेवेलेंट इन इंडिया. उन राक्षसों के संग में रंग में आकर के ऐसी बुद्धि बन गई. द इंटेलेक्ट हैज बिकम सच ड्यू टू कमिंग इनटू द कंपनी ऑफ दोस डीमंस. क्या करते जा रहे हैं? व्हाट आर दे डूइंग? है अलगाववाद करते जा रहे हैं या नहीं करते जा रहे? आर दे क्रिएटिंग फ्रेगमेंटेशन और नॉट? पहले सारा भारत एक देश था. अर्लियर द होल ऑफ भारत वॉज वन कंट्री. ये नेपाल, ये भूटान, ये लंका, ये बर्मा, ये मलाया. नेपाल, भूटान, लंका, बर्मा, मलेशिया, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश. पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये अलग अलग थे क्या कि एक देश था? वर दे सेपरेट और वर दे वन कंट्री? एक देश था. दे वर वन कंट्री. इन अलगाववादियों ने आकर के सब अलग अलग करवाई दिए. दोज हु स्प्रेड फ्रेगमेंटेशन केम एंड डिवाइडेड एवरीथिंग. इतना ही नहीं, नॉट जस्ट दिस मच, भारत में जो अलग अलग स्टेट्स हैं, इवन द डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया, उनमें भी खंडन विखंडन आज तक भी होता जा रहा है. आर बीइंग डिवाइडेड टू दिस डेट. मध्य प्रदेश का खंडन करके छत्तीसगढ़ अलग कर दिया. मध्य प्रदेश वॉज डिवाइडेड एंड छत्तीसगढ़ वॉज सेपरेटेड. यहाँ हमारा राज्य चलेगा, यहाँ हमारी वोटिंग ज्यादा है. दे से वी विल रूल हियर, वी हैव मोर वोट्स हियर. उत्तर प्रदेश को क्या कर दिया? व्हाट डिड दे डू टू उत्तर प्रदेश? है उत्तराखंड अलग कर दिया. दे सेपरेटेड उत्तराखंड. यहाँ हमारे फॉलोअर्स ज्यादा हैं, यहाँ की हम राजा ही करेंगे. वी हैव मोर फॉलोअर्स हियर, वी विल रूल हियर. तो ये अलगाव पाया, अलगाववाद, द्वैतवाद कब से पैदा होता है? सो दिस फ्रेगमेंटेशन ड्यूअलिज्म स्टार्ट्स फ्रॉम व्हेन? द्वापर युग से. फ्रॉम द कॉपर एज. जो द्वापर युग से द्वैतवाद पैदा करते हैं, उन्हों को ही शास्त्रों में कहा गया है दैत्य. Those who create dualism from the copper age are themselves called demons in the scriptures. क्या कहा गया? What are they called? दैत्य. किसकी औलाद? Demons. दैत्य. Whose progeny? है? दिति की औलाद दैत्य. The progeny of दिति are demons. दिति माने? दिति माने खंडित, फटी हुई, वैश्या. दिति means broken, torn. A prostitute.
और अदिति माने अखंड, एंड अदिति मींस कंप्लीट, पवित्रता से अखंड रहने वाली। शी रिमेन्स कंप्लीट विथ प्यूरिटी। दिति से क्या पैदा हुए? हु वर बोर्न फ्रॉम दिति? दैत्य। और अदिति से? डीमंस। एंड हु वर बोर्न फ्रॉम अदिति? है देवता, अद्वैत। द डेटीज हु आर नॉन ड्यूअल। देवताओं को अद्वैत कहा जाता है। द डेटीज आर कॉल्ड नॉन ड्यूअल। राक्षसों को दैत्य कहा जाता है। डीमंस आर कॉल्ड दैत्य। ये राक्षसों की दुनिया कब से पैदा होती है? फ्रॉम वेन डज दिस वर्ल्ड ऑफ द डीमंस बिगिन? है द्वापर युग से पैदा होती है। इट बिगिन्स फ्रॉम द कॉपर एज। द्वापर युग की निशानी है। इट इज द मेमोरियल ऑफ द कॉपर एज। जो संगम युग में अभी देखने में आ रही है। क्या? दैट कैन बी सीन नाउ इन द कॉन्फ्लुएंस एज। व्हाट? क्या देखने में आ रही है ब्राह्मणों के बीच में? व्हाट डू वी सी अमंग द ब्राह्मिन्स? ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण। ब्राह्मिन्स द चिल्ड्रन ऑफ ब्रह्मा। कितने खंड में विभाजित हुए देखने में आ रहे? वी कैन सी देम डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी डिविजन्स? दो खंडों में बटे हुए हैं। कौन कौन? दे आर डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स। विच वंस? हैं? ब्रह्मा की औलाद, अपन को समझने वाले। वन इज दोज हु कंसीडर देमसेल्व्स द चिल्ड्रन ऑफ ब्रह्मा। लिखते भी हैं। हम क्या हैं? व्हाट डू दे राइट एज वेल? व्हाट आर वी? ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मा माने क्या होता है? व्हाट डज ब्रह्मा मीन? ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। ब्रह्म मीन्स सीनियर, माँ मीन्स मदर। किसके कुमार कुमारी? हुज कुमार कुमारी? मीनिंग सन एंड डॉटर। बड़ी माँ के कुमार कुमारी। द कुमार कुमारी ऑफ द सीनियर मदर। अरे जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं जय माता दी। अरे फॉर एग्जाम्पल दे से ऑन द पाथ ऑफ भक्ति जय माता दी, मीनिंग हेल द मदर। अरे जय माता दी, जय माता दी। अरे दे से जय माता दी, जय माता दी। पिताजी का नाम क्यों नहीं लेते? वाई डोंट दे टेक द फादर्स नेम? क्या विधवा है? इज द मदर अ विडो? अरे भारत में विधवाओं की पूजा होती है। अरे आर विडोज वर्शिप्ड इन भारत? मंदिर बनते हैं? नहीं। आर देयर टेम्पल्स बिल्ट? नो। वो जय माता दी जिसके करते हैं वो कोई विधवा तो नहीं है? द वन फॉर हुम दे से जय माता दी इज सर्टनली नॉट अ विडो। तो वो ब्राह्मणों की दुनिया में भी देखे जा रहे हैं। सो सच सोल्स आर सीन इन द ब्राह्मिन वर्ल्ड टू। अभी भी? इवन नाउ। वो माता को ही भगवान बाप मानते हैं। दे कंसिडर ओनली द मदर टू बी गॉड द फादर। जबकि माता अलग होती है और पिता अलग होता है। वेयर एज द मदर एंड द फादर आर डिफरेंट। तो ब्राह्मण में भी दो ग्रुप हो गए। सो देर आर टू ग्रुप्स इवन अमंग द ब्राह्मिन्स। कौन कौन? विच वंस? है बीके और पीबीके। द बीके एंड द पीबीके ग्रुप। पुराने कौन है? हु आर ओल्ड? अरे बाप पुराना है या अम्मा पुरानी है? अरे इज द फादर ओल्डर और इज द मदर ओल्डर? बाप पुराना होता है। द फादर इज ओल्डर। बाप ही तो माता को अडॉप्ट करता है। इट इज द फादर हु अडॉप्ट्स द मदर। माँ बाप दोनों मिलकर के बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। द मदर एंड द फादर टुगेदर अडॉप्ट द चिल्ड्रन। जो बाप के और माँ के दोनों के बच्चे हैं वो अपन को लिखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। द चिल्ड्रन ऑफ बोथ द मदर एंड द फादर राइट प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी फॉर देमसेल्व्स। किसकी औलाद? हुज प्रोजेनी? बाप और माँ दोनों के बच्चे। द चिल्ड्रन ऑफ बोथ द मदर एंड द फादर पीबीके। उनका टाइटल हो गया। देयर टाइटल इज पीबीके। और जो कहते हैं हम तो
पूछा जाए किसके बच्चे हो? एंड दोज हु से वी इफ दे आर आस्क्ड हुज चिल्ड्रन आर यू, कहते ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। दे से वी आर ब्रह्मा कुमार कुमारी। फिर दोबारा पूछा, अरे बताओ, सही बताओ, किसके बच्चे हो? इफ दे आर आस्क्ड अगेन, अरे टेल अस हुज चिल्ड्रन आर यू, कहते अम्मा कुमार कुमारी हैं। दे विल से वी आर अम्मा कुमार कुमारी। अम्मा मीन्स मदर। कोई बच्चे बार बार पूछने पर ही अपनी माँ का ही नाम बताएं। इफ सम चिल्ड्रन जस्ट से देयर मदर्स नेम ऑन बीइंग आस्क्ड दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, और बाप का नाम न बताएं, तो क्या समझा जाता है? एंड इफ दे डोंट मेंशन देयर फादर्स नेम, व्हाट डू पीपल थिंक? क्या समझा जाता है? व्हाट डू पीपल थिंक? इनको अपने बाप का पता ही नहीं। दे डोंट नो अबाउट देयर फादर एट ऑल। और इनकी अम्मा इन बच्चों को अपने बाप का पता नहीं बताती। एंड देयर मदर डजंट टेल दीज चिल्ड्रन अबाउट देयर फादर। तो अच्छा माना जाता है समाज में या बुरा माना जाता है? सो डू दे कंसिडर दिस टू बी गुड इन द सोसाइटी और डू दे कंसिडर दिस टू बी बैड? बुरा माना जाता है। दे कंसिडर इट टू बी बैड। जबकि ब्रह्मा के मुख से शिव बाप ने मुरलियों में स्पष्ट बोल दिया ब्रह्म वाक्य। ऑल्दो द फादर शिव हैज क्लियरली स्पोकन दिस ब्रह्म वाक्य मीनिंग वर्सेस ऑफ ब्रह्मा इन द मुरली थ्रू द माउथ ऑफ ब्रह्मा, कि तुम बच्चों को अपना टाइटल लिखना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। यू चिल्ड्रन शुड राइट प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी एज योर टाइटल। अपनी संस्था का नाम भी लिखना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी संस्था। यू शुड ऑल्सो राइट द नेम ऑफ योर इंस्टीट्यूशन एज प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी इंस्टीट्यूशन। लेकिन जिनको पता ही नहीं है अपने बाप का, बट दोज हु डोंट नो अबाउट देयर फादर एट ऑल, उन्होंने संस्था का तो नाम बदल दिया। डिड चेंज द नेम ऑफ देयर इंस्टीट्यूशन। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से बदल करके प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम तो रख दिया। दे डिड कीप द नेम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी फ्रॉम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। लेकिन अपने नाम के आगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी का टाइटल नहीं लगा पाए। बट दे कुडंट एड द टाइटल प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बिफोर देयर नेम। क्योंकि कोई पूछे तुम्हारा बाप कौन है? इफ समवन आस्क्स देम हु इज योर फादर, तो वो तो कहेंगे अम्मा ही हमारा बाप है, अम्मा ही हमारा माँ है। दे विल से द मदर हरसेल्फ इज अवर फादर, शी हरसेल्फ इज अवर मदर। तो ये द्वैतवाद और ये अद्वैतवाद, इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? सो वेर इज द फाउंडेशन ऑफ दिस ड्यूअलिटी एंड नॉन ड्यूअलिटी लेड? यहाँ संगम युग में शूटिंग हो रही है। द शूटिंग इज टेकिंग प्लेस हियर इन द कॉन्फ्लुएंस एज। संगम युग में रिकॉर्डिंग हो रही है 5000 वर्ष की ड्रामा की। द रिकॉर्डिंग ऑफ द ड्रामा ऑफ 5000 ईयर्स इज टेकिंग प्लेस इन द कॉन्फ्लुएंस एज। यहाँ रिहर्सल हो रही है 5000 वर्ष की ड्रामा की। द रिहर्सल ऑफ द ड्रामा ऑफ 5000 ईयर्स इज टेकिंग प्लेस हियर। अभी पता चलता है। इट इज नाउ दैट वी कम टू नो कि ये बाबा ने क्यों बोला। व्हाई बाबा सेड कि राधा अलग कुल की और कृष्ण अलग कुल का। राधा बिलोंग्स टू अनदर फैमिली एंड कृष्णा बिलोंग्स टू अनदर फैमिली। इन्हें ही सृष्टि का फाउंडेशन पड़ रहा है। द फाउंडेशन ऑफ द न्यू वर्ल्ड इज बीइंग लेड। कुछ बच्चे हैं जो ब्रह्मा के मुख की निकली हुई वाणी को मानने वाले हैं। देर आर सम चिल्ड्रन हु एक्सेप्ट द वाणी दैट केम आउट ऑफ द माउथ ऑफ ब्रह्मा। और कुछ बच्चे हैं जो ब्रह्मा के मुख की निकली हुई वाणी को नहीं मानते। एंड देर आर सम चिल्ड्रन हु डोंट एक्सेप्ट द वाणी दैट केम आउट ऑफ द माउथ ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा की गोद को ही सर्वोपरि समझते। दे कंसिडर ओनली द लैप ऑफ ब्रह्मा टू बी अबव ऑल। उनको नशा रहता है, हमने ब्रह्मा की गोद ली है। दे हैव दिस इंटॉक्सिकेशन, वी हैव टेकन द लैप ऑफ ब्रह्मा। हमने ब्रह्मा की पालना ली है। अरे
वी हैव टेकन सस्टेनेंस फ्रॉम ब्रह्मा. अरे अम्मा की गोद में छोटे बच्चे पलते हैं. डू स्मॉल चिल्ड्रन रिसीव सस्टेनेंस ऑन द मदर्स लैप. या बड़े बच्चे पलते हैं. और डू ग्रोन अप चिल्ड्रन रिसीव सस्टेनेंस. छोटे छोटे बच्चे होते हैं. देर आर स्मॉल चिल्ड्रन. समझदार नहीं होते हैं, बच्चा बुद्धि होते हैं, नाबालिग होते हैं, वो अम्मा की गोद में पलते हैं. दे आर नॉट इंटेलिजेंट. दे हैव अ चाइल्ड लाइक इंटेलेक्ट. दे आर माइनर्स. दे रिसीव सस्टेनेंस ऑन द मदर्स लैप. वो ज्ञान की बातों को क्या समझेंगे. हाउ विल दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉलेज. उनको ज्ञान ही नहीं है, बाप का ही ज्ञान नहीं है. दे डोंट हैव नॉलेज एट ऑल. दे डोंट हैव नॉलेज अबाउट देयर फादर एट ऑल. तो अपने 84 जन्मों का ज्ञान कहाँ से हो जाएगा. देन हाउ विल दे हैव द नॉलेज ऑफ देयर 84 बर्थ्स. ओम शांति. ओम शांति.